कभी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, कभी सीएसके में धोनी के साथ आईपीएल खेला। किस्मत का खेल देखिए, आज चला रहा है बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्रिकेट में भी ये बात लागू होती है। कई क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की, लेकिन अंत ठीक नहीं रहा। आज एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करेंगे जो धोनी की कप्तानी में खेल चुका है। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को शतक से वंचित करने वाला स्पिनर आज ऑस्ट्रेलिया में बस चलाने को मजबूर है। धोनी के खिलाफ वर्ल्ड कप और साथ आईपीएल में खेल चुका ये क्रिकेटर आज ऑस्ट्रेलिया में रहकर बस चला रहा है। इस श्रीलंकाई क्रिकेटर का नाम सूरज रणदीप है। साल 2011 में भारत में खेले क्रिकेट वर्ल्ड कप में सूरज रणदीप श्रीलंकाई टीम का हिस्सा रहे थे। सूरज रणदीप धोनी की कप्तानी वाली सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं। साल 2012 में सीएसके के लिए खेलते हुए रणदीप ने 8 मैचों में 6 विकेट लिए थे। ड्राइवरी करने के लिए मजबूर धोनी का ये दोस्त श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेल चुके सूरज रणदीप अब क्रिकेटर से बस ड्राइवर बन गए हैं। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर सूरज रणदीप ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया का रुख किया था, जहां वो अब बस ड्राइवरी करने के अलावा एक लोकल क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं। सूरज रणदीप ने श्रीलंका के लिए 12 टेस्ट में 46 विकेट लिए थे। रणदीप 31 वनडे में 36 विकेट और 7 टी20 मुकाबलों में 7 विकेट झटके थे। वीरेंद्र सहवाग के साथ की थी बेईमानी। भारतीय क्रिकेट के फैन सूरज रणदीप को उस नो बॉल की वजह से जानते हैं, जिसने 99 रन पर बैटिंग कर रहे सहवाग को शतक से महरूम कर दिया था। सूरज रणदीप उस समय चर्चा में आए थे जब उन्हें जानबूझकर नो बॉल फेंकते पकड़ा गया था। दरअसल सूरज रणदीप ने वीरेंद्र सहवाग का शतक पूरा ना होने देने के लिए दिलशान के कहने पर नो बॉल फेंकी थी। भारत को जीत के लिए 1 रन की जरूरत थी और सहवाग 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर सहवाग वो 1 रन बना लेते तो उनका शतक पूरा हो जाता। ऐसे में दिलशान ने साजिश रचते हुए रणदीप को जानबूझकर नो बॉल फेंकने की सलाह दी और उन्होंने वही किया। हालांकि सहवाग ने नो बॉल पर भी छक्का जड़ दिया था, लेकिन नो बॉल होने के कारण अंपायरों ने भारत को विजयी घोषित कर दिया और उनका छक्का रनों में नहीं जोड़ा गया। सहवाग 99 रन पर नॉट आउट रहे। तब खबर आई कि रणदीप ने तिलक रत्न दिलशान के कहने पर ये काम किया है। हालांकि बाद में उन पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक मैच का बैन भी लगाया। सूरज रणदीप और दिलशान पर हुई थी कार्रवाई। गौरतलब है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सूरज रणदीप को 1 मैच के लिए निलंबित कर दिया था, जबकि तिलक रत्न दिलशान पर जुर्माना लगाया गया था। सूरज रणदीप ने श्रीलंका के लिए 12 टेस्ट खेले हैं और उनके नाम 43 विकेट है। वनडे फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने 31 मैच खेले और 36 विकेट हासिल किए हैं। 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिला था मौका। वीरेंद्र सहवाग के साथ उस चीटिंग से सूरज रणदीप पूरी दुनिया में बदनाम हो गए थे। हालांकि उन्हें इसके बाद अचानक 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम में शामिल कर लिया गया था, लेकिन वे एक क्रिकेटर के रूप में सफल नहीं हुए और आज ऑस्ट्रेलिया में बस ड्राइवर का काम करने पर विवश है। पेट पालने के लिए बन गए बस ड्राइवर। आपको बता दें कि 2011 विश्व कप में श्रीलंकाई क्रिकेटर 2011 विश्व कप में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्य सूरज रणदीप अब अपना पेट पालने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहकर बस चला रहे हैं। सूरज के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर चिंतका नमस्ते और वाडिंगटन वाइंगा ऑस्ट्रेलिया में जा बसे हैं और मेलबर्न में फ्रेंच आधारित कंपनी टांस देव में बस ड्राइवर का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।